हेलो फ्रेंड्स, डायनेमिक की नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्टिकल स्ट्रिंग के क्वेश्चंस कर रहे थे हम, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ 2L, ठीक है, हमारे पास एक इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ हमारे पास कितनी है 2L, एंड मॉडुलस लैम्डा, टू द मिडल ऑफ विच इज अटैच टू ए मास m। ये सबसे अलग क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें जो मास है वो बिल्कुल मिडल में लगाया है। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उनमें हमने क्या किया, दूसरे एंड पे मास लगाया था, ठीक है। एक एंड हमारा फिक्स होता था, दूसरे एंड पे हम मास लगाते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिल्कुल मिडल में जो हमारी स्ट्रिंग है, सपोज़ कीजिए ये स्ट्रिंग है, तो हम बिल्कुल यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, वेट, ठीक है। इज स्ट्रेस टू द ट्वाइस इट्स लेंथ, ठीक है, इसने क्या कहा, अब जैसे कि हमारे पास जो भी स्ट्रिंग होगी उसको हमने इतना स्ट्रेच कर दिया कि जो अब उसकी लेंथ है वो डबल हो गई। जैसे कि नेचुरल लेंथ 2L गिवन है, तो अब उसकी लेंथ कितनी हो चुकी है, 4L, ठीक है। एंड प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, उसको एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर रख दिया हमने, वर्टिकल टेबल का यूज़ नहीं करना, ठीक है। एंड इट्स एंड्स आर फिक्स, जो दोनों एंड्स है, जैसे कि ये स्ट्रिंग अगर हमारी, तो ये एंड और ये एंड, ये दोनों एंड फिक्स है, बीच में हमने सिर्फ मास लगाया है, ठीक है। प्रूव द पीरियड, हाँ क्या निकालना है, प्रूव द पीरियड ऑफ द स्मॉल ट्रांसवर्स ऑसिलेशन इज दिस, हमें क्या निकालना है, जो स्मॉल ट्रांसवर्स ऑसिलेशन होगा ना उसका पीरियड 2π दिस आना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ Lm/λ, ठीक है। तो देखिए निकालते हैं। अब यहाँ पर ना इसने एक चीज़ कही है कि स्मॉल ट्रांसवर्स ऑसिलेशन, ये आपको देखने में नया लग रहा होगा, बता देती हूँ आपको। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा पार्टिकल है वो टू एंड फ्रो ऐसे मूव करे, ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसे ऑसिलेशन होता रहता है। स्मॉल ट्रांसवर्स इसलिए कह दिया उसने, ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ एंगल का चेंज है, ठीक है। दो टाइप के ऑसिलेशन होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स। जो लॉन्गिट्यूडिनल होता है उसमें हमारे पास सिर्फ एक लाइन के थ्रू हमारा ऑसिलेशन होगा, जैसे कि हम अभी तक करते आए थे, ठीक है, वो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल ऑसिलेशन था। उसमें क्या था, हमारी जो पार्टिकल था वो अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसे मूव कर रहा था, एक ही लाइन के अबाउट मूव कर रहा था। अब जब हमारा वेट ये ऐसे है, हम उस वेट को अपनी तरफ भी खींच सकते हैं, उस वेट को डाउनवर्ड्स भी, किसी भी साइड भी हम मूव करवा सकते हैं, तो उसमें ना एंगल का भी फ़र्क आएगा, ठीक है। तो जिसमें एंगल भी हमारे पास इंक्लूड हो जाए ऑसिलेशन में, तो उस ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स ऑसिलेशन। और इसने यहाँ पर क्या कहा है, स्मॉल ऑसिलेशन, मतलब कि हमने बिल्कुल थोड़ा सा मूव करवाया उसको, ठीक है, नेग्लिजिबल लेके चलेंगे जो हमारा ट्रांसवर्स ऑसिलेशन होगा, उसका हमने क्या निकालना है, पीरियड निकालना है, जो कि यह आना चाहिए। तो देखिए अब हमने मान ली जो हमारी स्ट्रिंग है ना वो ए से बी तक है, ये हमने मान ली जो टोटल नेचुरल लेंथ है वो तो 2L गिवन है ही, एक्सटेंशन के बाद कितनी हो जाएगी, 4L, ठीक है। तो ये हमने एक्सटेंशन के बाद ही मान रखी है ए से बी तक, ठीक है। तो हमारे पास ए से बी तक की टोटल एक्सटेंडेड लेंथ कितनी आ जाएगी, 4L, और ए से बी तक जो नेचुरल लेंथ है वो 2L है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसने बिल्कुल ना क्या कहा, मिडल में हमने क्या लगा दिया, मास, बिल्कुल मिड पॉइंट पर लगाया, जो बिल्कुल बीच वाला पोर्शन होगा। तो मिडल का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने यहाँ पर ओ पॉइंट ले लिया, ये बिल्कुल मिडल वाला पॉइंट है, तो अगर ये ए से बी तक टोटल लेंथ कितनी है, 4L, तो मिड में ही लगाने से हमारे पास ओ से ए तक भी 2L हो जाएगा और ओ से बी तक भी 2L हो जाएगा, मिड पॉइंट का मतलब यही होता है। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, दिस इज इक्वल टू एल, सॉरी 2L, ठीक है, हाफ हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब इसने क्या कहा कि हमने क्या करना है, स्मॉल ट्रांसवर्स ऑसिलेशन, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो वो वेट था हमारे पास, मास है, उसको हमने डाउनवर्ड लिया है, ठीक है, सपोज़ कीजिए कितने भी एंगल से ले जा सकते हैं हम, तो हमने उस वेट को खींच के हमने यहाँ ले आए, जो पॉइंट है वो तो फिक्स रहेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पर ले आए, तो हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की उसकी पोजिशन कितनी है, एक्स, क्योंकि जो जहाँ से हम वेट को वो करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, वहीं से ही हम क्या करते हैं, एक्स मेज़र करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अभी तक इलास्टिक स्ट्रिंग में कैसे करते थे, यहाँ तक तो हमारे पास नेचुरल लेंथ होती थी, यहाँ पर हम जब वेट लगा देते थे तो यहाँ से फिर नीचे एक्सटेंशन होती थी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ही हमारे जो पार्टिकल पी लेते थे तो उसी की वैल्यू हम एक्स मानते थे, ठीक है। जहाँ पर भी हमने वेट लिया, जहाँ से हमने एक्सटेंशन स्टार्ट किया, वहाँ से ही हमारी एक्स की वैल्यू आती है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है।
हमारा वेट अभी यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से हमने पी की वैल्यू कितनी मान ली, एक्स, ठीक है। और हमें एंगल भी नहीं पता, तो हमने एंगल थीटा मान लिया। लेकिन यहाँ पर ना ध्यान देने की बात क्या है कि ओ से ए तक और ओ से बी तक डिस्टेंस सेम है, मतलब कि जो ओ है वो हमारा मिडल पॉइंट है। अगर ओ हमारा मिडल पॉइंट है तो इसका मतलब सिमिट्री बनी रहेगी इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में। सिमिट्री का मतलब क्या हुआ, जैसे ही ओ ए पी ये वाला ट्रायंगल बिहेव करेगा, वैसे ही ओ बी पी ट्रायंगल भी बिहेव करेगा, ठीक है। अगर यहाँ एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी एंगल थीटा होगा। अगर देखिए स्ट्रिंग भी सेम ही है क्योंकि बिल्कुल बीच में से हम स्ट्रेच कर रहे हैं, तो जितनी टेंशन पी से ए की साइड होगी उतनी ही टेंशन पी से बी की साइड भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर टेंशन हमारी टी है तो इधर भी टेंशन कितनी हो जाएगी, टी, क्योंकि मिडल पॉइंट है, इसकी वजह से हुआ ये, ठीक है। अब देखिए हम ना, हमारे पास ओ से लेकर ए तक की डिस्टेंस भी गिवन है, ओ से ए हमारे पास 2L है और ओ से पी तक भी है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर और हमारे पास क्या आ जाएगा, ए पी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगा सकते हैं, ए पी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वेयर प्लस ओ पी स्क्वेयर, ठीक है। ओ ए स्क्वेयर का मतलब 2L का स्क्वेयर, 4L स्क्वेयर हो जाएगा और प्लस ओ पी का स्क्वेयर है, ओ पी का स्क्वेयर मतलब एक्स स्क्वेयर। तो ये हमारे पास ए पी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई। तो ए पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए पी इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 4L स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। इसमें से हम क्या कर लेते हैं, 2L को कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास, 2L कॉमन लेने के बाद अंदर हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाय 4L स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर रूट, क्योंकि पावर हमने देखिए ये कॉमन ले लिया और इसकी पावर क्या थी, 1/2, तो इसकी पावर 1/2 करेंगे तो 2L हो जाएगा और इसका स्क्वेयर रूट का मतलब 1/2 पावर, ठीक है। बाइनोमियल से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा, 2L ये तो एज इट इज़ है 1 आएगा प्लस ये एज इट इज़ एक्स स्क्वेयर बाय 4L स्क्वेयर और साथ में ये कोफिशेंट आता है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 करेंगे तो 2×4 ऐसे ही आगे चलता जाएगा, ठीक है। पावर हम इंक्रीज करते रहेंगे, लेकिन अभी ना यहाँ पर इसने क्या कर रखा है, स्मॉल ट्रांसवर्स ऑसिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्स की वैल्यू है ना वो बहुत कम है, स्मॉल ऑसिलेशन है, बिल्कुल हमने थोड़ा सा डाउनवर्ड लेके आए हैं। जैसे ये पार्टिकल है ना, यहाँ से हमने यहाँ तक वेट ले लिया, बिल्कुल स्मॉल, मतलब कि जो हमारी लेंथ है ये वाली, इसके कंपैरिजन जो ये वाला डिस्टेंस है वो बहुत कम है। इसका मतलब x तो बहुत कम है और 2L ज़्यादा है as compared to x, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास देखिए क्या क्वान्टिटी आ रही है, एक्स स्क्वेयर बाई एल स्क्वेयर, मतलब कि ना पावर आगे इंक्रीज होती रहेगी x बाई एल की। अब क्योंकि जो x है वो बहुत स्मॉल है और l है वो बहुत बड़ा है as compared to x, तो जितनी हम पावर इंक्रीज करेंगे उतनी ही स्मॉल क्वांटिटी आती रहेगी। तो हमारे पास इतनी स्मॉल आएगी कि हम मतलब बिल्कुल नेग्लेजिबल आ जाएगी वो, और हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को भी नेग्लेक्ट कर देंगे, x बाई एल स्क्वेयर को, ठीक है। तो हमारे पास 2L वैल्यू आ जाएगी। तो ए पी की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो कितनी है, 2L, ठीक। तो हमारे पास जो ए पी है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2L, अप्रोक्सीमेट लेके चल रहे हैं हम, यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं ले रहे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, अब जो हमारे पास ये एंगल है और ये एंगल है वो भी सेम है, ठीक है, थीटा। तो टेंशन निकाल देते हैं यहाँ से, टेंशन देखिए क्या आएगी हमारे पास, टी इज इक्वल टू हुक्स लॉ यूज़ करेंगे, तो टी इज इक्वल टू लैम्डा एक्सटेंशन बाय में नेचुरल लेंथ, ठीक है। देखिए टी इज इक्वल टू लैम्डा एक्सटेंशन बाय नेचुरल लेंथ एल। देखिए हम ना सिर्फ एक पोर्शन में देख लेंगे, या तो आप इस हाफ में देख लीजिए या इस हाफ में, ठीक है। टोटल लेंथ है ना हमारी नेचुरल लेंथ 2L है, अगर हम हाफ पोर्शन में देखेंगे तो नेचुरल लेंथ हाफ हो जाएगी, नेचुरल लेंथ कितनी हो जाएगी, L, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और एक्सटेंशन देखिए कितनी आएगी, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि पहले इतनी थी अब एक्सटेंड करके इतनी हो गई, ठीक है। एक्सटेंशन कितनी आए हमारे पास, 2L, और इसकी नेचुरल लेंथ कितनी है, L, ठीक है, क्योंकि हाफ देखना है ना। देखो एक्सटेंड करने के बाद OA हमारे पास कितनी थी, 2L,
लेकिन विदाउट एक्सटेंशन तो हाफ है ना, क्योंकि एक्सटेंशन करके डबल हुई है। तो नेचुरल लेंथ हमारे पास एल है, और एक्सटेंशन के बाद ए से पी तक कितनी एक्सटेंशन हो गई, 2L। ठीक है, ए पी की वैल्यू 2L है। तो हमारे पास जो एक्सटेंशन है वो कैसे निकालते हैं, टोटल एक्सटेंशन बाय नेचुरल लेंथ, मतलब माइनस नेचुरल लेंथ। अब देखिए यहाँ पर ए पी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2L, और ओ ए, ओ ए का मतलब क्या है, बिल्कुल नेचुरल लेंथ। ठीक है, एक्सटेंडेड लेंथ नहीं लेनी, नहीं तो ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास L है, और डिवाइड में नेचुरल लेंथ कितनी है, L। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा L बाई L, मतलब कि लैम्डा वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए उसके बाद कोस थीटा भी निकाल सकते हैं, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए क्या आएगा, थीटा, देखिए कोस थीटा कैसे निकाल सकते हैं हम, ओ पी बाय ओ ए, है ना, हमारे पास फॉर्मूला तो होता ही है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो थीटा यहाँ से निकाल देंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू ओ पी बाय ओ ए, सॉरी ओ पी, ठीक है, और बाय में हाइपोटेन्यूस आएगा ना, ए से पी। ठीक है, तो ए पी लिखेंगे यहाँ पर, ए पी इज इक्वल टू ओ पी की वैल्यू देखिए हमारे पास कितनी है, एक्स, और ए पी की वैल्यू कितनी है, 2L। ठीक है, तो हमारे पास जो कोस थीटा है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, एक्स बाय 2L। उसके बाद देखिए अब हमें क्या निकालना है, टोटल फोर्स इन द डायरेक्शन पी ओ। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, जो हमारे पास पी ओ है या फिर ओ पी है, यहाँ पर हम देखेंगे कितना फोर्स है। हमें यहाँ पर भी पता है, यहाँ पर भी पता है, यहाँ पर नहीं निकालना हमें, हमें कहाँ से मेज़र करना है, जो हमारा वेट था ना वहाँ से मेज़र करना है। तो हम यहाँ पर देखना चाहते हैं हमारा कितना फोर्स लग रहा है। तो हमारे पास जो टोटल फोर्स है वो इसकी और इसकी वजह से निकलेगा, क्योंकि इस साइड भी टेंशन टी है और उस साइड भी टेंशन टी है, इनकी वजह से जो भी इनका रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, अगर आपने स्टैटिक्स पढ़ा हो तो वहाँ पर हम क्या निकालते थे, रिजोल्व पार्ट्स। रिजोल्व पार्ट्स में ऐसे ही होता था हमारे पास, अगर हमारे पास इधर कोई फोर्स है एफ, ठीक है, और अगर वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो हम यहाँ पर उसके रिजोल्व पार्ट्स निकाल सकते थे अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग क्या आता था, एफ कोस थीटा, और अलोंग वाई एक्सिस क्या आता था, आर साइन, एफ साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर एफ है ना, तो एफ कोस थीटा और यहाँ पर एफ साइन थीटा। यहाँ पर भी देखिए ऐसे ही है, ये हमारे पास टी टेंशन है और ये इसके साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, टी कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास कौन सी डायरेक्शन के अलोंग, ए पी। ठीक है, ए पी वाले का फोर्स हमारे पास ओ पी डायरेक्शन में कितना आएगा, टी कोस थीटा। इसी तरह इसका निकाल लेंगे तो भी टी कोस थीटा ही आएगा, क्योंकि सिमिट्री तो है ही। तो टोटल फोर्स कितना हो गया, टू टी कोस थीटा, दोनों की वजह से आएगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो टोटल फोर्स है, टोटल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ पी ओ, कौन सी डायरेक्शन में निकाल रहे हैं हम, पी ओ, जो कि हमारा बिल्कुल मिडल वाली पॉइंट थी, तो वहाँ पर हमारा जो टोटल फोर्स है वो कितना आ गया, टू टी कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास टोटल फोर्स आ गया, और वैसे टोटल फोर्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला भी होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन डी टी स्क्वेयर। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास कितना फोर्स आएगा, माइनस टू टी कोस थीटा। नेगेटिव किसके लिए आया, हमारे पास डायरेक्शन के लिए आया, जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो हम डाउनवर्ड्स लगा रहे हैं, जो स्ट्रिंग का फोर्स है वो अपवर्ड है, तो जो दोनों फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमने नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, माइनस टू टी कोस थीटा, ये हमने यहाँ पर माइनस टू टी कोस थीटा है, इसलिए हमने पहले ही कोस थीटा निकाल लिया, क्योंकि उसका यूज़ होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पर माइनस टू, देखिए टी की वैल्यू कितनी आई थी, लैम्डा, तो यहाँ पर हम लैम्डा लिख देंगे। कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू एक्स बाय टू एल, तो एक्स बाय टू एल। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया आंसर, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस लैम्डा बाय एल इंटू एक्स, ये आ गया। और अगर हम इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन से कंपेयर करें, तो पहले एम को डिवाइड में ले जाएंगे, इधर हमारे पास आएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाय एल एम इंटू एक्स।
ठीक है, ये आ गया। तो ये हमारी म्यू की वैल्यू आ गई, क्योंकि माइनस म्यू एक्स होता है ना, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा बाय एल एम, म्यू इज इक्वल टू लैम्डा बाय एल एम। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था, फाइंड द पीरियड, पीरियड निकालना है। पीरियड का मतलब क्या होता है, टू पाई बाई रूट म्यू टाइम पीरियड, टी इज इक्वल टू टू पाई बाई स्क्वेयर रूट ऑफ यू। हमारे पास म्यू की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, टू पाई स्क्वेयर रूट ऑफ एल एम बाई लैम्डा, और यही जो वैल्यू है यही हमारी टाइम पीरियड की वैल्यू है, ठीक है, टाइम पीरियड, यही उसने कहा था, यही हमारा प्रूव हो गया, टू पाई स्क्वेयर रूट ऑफ एल एम बाई लैम्डा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बिल्कुल ईजी था, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रीवियस आर्टिकल यूज़ हो रहे थे जो हमारे स्टैटिस्टिक्स के थे, ठीक है। डायग्राम देख के भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है थोड़ा बहुत, क्योंकि वहाँ पर हमें इस टाइप के डायग्राम देखने को मिलते थे, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा क्वेश्चन अलग सा था, इसलिए मैंने सोचा कि ये करवा दूँ। बाकी अगर आपको किसी और क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर, नहीं तो मैं आपको अपनी तरफ से एक दो क्वेश्चन और करवा दूँगी, जो हमारा वर्टिकल स्ट्रिंग है वो कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू।